Ace, pick up the pace, L O I A. Find no haze, indeed I am pretty. My effort in vain, the needle my veins, I'm falling asleep. Keep it dead, I sever your head. When she touch the river, my brain will be fed. I touch the sky, my life's in the day. I watch my demons because of a sin. Oh, I'm not an orphan. Death is my importance. Rest. What's up everyone and welcome back to another video. और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वॉर से रिलेटेड है. बहुत ही सही वॉर है. देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट्स आपको नहीं दिखाऊंगा. पहले 43-43 है. अब कौन जीता कौन हारा वो आपको बाद में पता चलेगा. देखते हैं सबसे लोअर जो है वो कौन सा टी एच है इसमें, और जो टॉप पे है वो कौन सा टी एच है. ओके, टी एच 9 है सबसे लो जो है इसमें. अपोनेंट में जो इनेमी का लोएस्ट टाउनल है वो यहाँ पे टाउनल 9 ही होना चाहिए. टाउनल 8 है तो लोअर उतना मैटर नहीं करता. मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ टी एच 11 इतने टी एच 11 इतने टी एच 12, मतलब जो आईडीज है वो लेके बंदे खेल रहे थे यहाँ पे. और सबसे खास बात है स्ट्रीक देख सकते हो 79 का है. मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि वो और ये क्लैन जीता है. अब जो मार्जिन से जीते हो आपको एंड में भी बताऊंगा मैं, वो सस्पेंस रहेगा. तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिक 79 का है और बहुत ही क्लोज वॉर है, इतना बोलूँगा बस. परसेंटेज से भी विन है तो इतना क्लोज है कि आपको पता चल जाएगा. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रिप्लेस से. उनका जो है 89 रह गया था, इस पे भी 89 रह गया था, दो ही बेस बचा था और बाकी परसेंटेज नहीं दिखाऊँगा. थर्ड पर ट्रिपल देखते हैं रायन का. तो ये जो बेस है काफ़ी लेजेंड लीग में कॉमन है, बॉक्स बेसेस कॉमन ही है आजकल, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बेस है. तो यहाँ पे देख सकते हो सीसी में शायद ये था सुपर गॉबलिन ही होगा, क्योंकि वहाँ पे जैंड वॉम का स्पेस था फिर भी टीएच डाउन हो गया. चलो देखेंगे एंड में सुपर गॉबलिन था कि क्या था. और फिर फास्ट कर लेते हैं, यहाँ से ईडीज आ गए सारे. एक साइड से किंग क्वीन, दूसरे साइड से ईडीज बाहर जा रहे थे. तो अटैक थोड़ा खतरे में था, पर आप जानते हैं ईडी भाई, ईडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. अभी आरसी होल्डेड था तो ये आराम से ट्रिपल हो जाता है यहाँ पे शायद एंड में. आराम से नहीं, खतरे में था अटैक. पर क्वीन देख सकते हो वॉल के कारण, वॉल फोड़ने के कारण हील हो गई और आरसी टावर भी जो है डाउन हो गया. तो ये फर्स्ट रिप्ले था जो बॉक्स बेस का था. तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज ओवर था. स्ट्रीक आप समझ सकते हो कितना, इनेमी ने इस साइड का नंबर वन उड़ा दिया था. देखते हैं इनेमी ने कौन सा अटैक किया था. ब्लिजार्ड ट्रैक किया था यहाँ पे, और फास्ट कर लेते हैं अपोजिट साइड से, ठीक है. और यहाँ पे हीरोज, और यहाँ से ब्लिम डालेगा वार्डन एबिलिटी में, स्वीपर को फ्रीज करेगा. थोड़ा लेट हुआ भाई, ब्लिजार्ड इधर ही गिर गया, फिर भी 3 स्टार हो जाता है क्योंकि इतना वैल्यू में. अच्छा सॉरी, ये दूसरा वाला है, क्लोन ड्रैग क्या बोलते उसका, क्लोन ब्लिजार्ड है. तो वैल्यू तो मिल गया यहाँ पे देख सकते हो, वो एक्सपो भी डाउन हो गया. तो इसमें टीएच नहीं मिलता है ना, फिर भी काफ़ी ज़्यादा अगर कोर में डिफेंसेस स्टैक हो, बहुत ज़्यादा ही डिफेंसेस बीच में हो तो भी 3 स्टार हो जाता है. तो ये अलग किस्म का चल रहा है भाई आजकल, बहुत सारे स्पैम आ गए यार, और सारे जो स्पैम अटैक्स हैं उसी से पुश भी हो रहे हैं. तो देख लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेजेंड लीग में बहुत चल रहा है. ओके, तो बढ़ते हैं अब अगले अटैक की तरफ. देखते हैं नंबर 4 पे कौन सा अटैक हुआ है. तो इस पे हुआ है ईडीजी हुआ है. तो यहाँ से देख सकते हो फनल, ओके मुझे लगा उस साइड से अटैक होगा, पर इस पर भी सीधा, मतलब देख सकते हो इतना स्प्रेड है फिर भी भाई पूरा साफ हो गया. मुझे लगा था उस साइड से होगा क्योंकि बेस का जो छोटा साइड है ना यहाँ से, और ब्लिम टीएच के लिए यूज़ होगा, बट कुछ अलग ही तरह का हो गया. मैं जब ईडी करता था तब काफ़ी अलग था, फिलहाल वैसा नहीं है, थोड़ा अलग ही हो गया भाई. मतलब और स्पैम मुझे उतने अच्छे से नहीं आता, तो सही है. देखते हैं कहाँ तक टी एच 14 है इसमें. ए बी टी एच 14 है,
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो तीन टी एच 14 ही है, देख रहे हो नंबर 8 तक टी एच 14 है और 8 टी एच 13 यहाँ पे आया, 8 टी एच 14 के साथ खेल रहे थे। और मुझे पता चला है यहाँ तक कि ये जो वॉर है वो कुछ हंड वगैरह हुआ था, या क्या बोलते उसको, चैलेंज वगैरह देके वॉर हुआ था, तो वो भी एंड में हम देखेंगे। अभी मुझे नॉलेज नहीं है पूरा, तो वीडियो बनाने के बाद एंड में ऐड कर दूँगा, पता है ना जब। और हाँ, इनेमी क्लैन भी इंडियन ही था, तो हंट या चैलेंज जो भी हुआ रहेगा तो आपको पता है कैसा होता है, हमारे हमारे में चलता है लोकल में, पूरा क्लैन डिस्क्रिप्शन वगैरह में पूरा टेस्टन वगैरह, तो वो भी कुछ सीन वगैरह हुआ था। तो ये अटैक देख रहे हो, इसमें मुझे लग रहा है आरसी स्वाइप हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वीन एबिलिटी अभी भी होल्डेड है। और देख लो भाई, आरसी नाम के लिए यूज़ हुआ बस। तो अब देखते हैं किनेमी का अटैक नंबर, अच्छा इस पर नंबर 1 ने किया था, तो इनेमी ने जो किया था अटैक भाई, ये भी सेमी आर्मी, मतलब एक तरफ दूसरी तरफ से ए आर्मी चल रहा है सारे बेसिस पे, इस तरफ से ईडी चल रहा है सारे बेसिस पे। नंबर 5 पे देखते हैं, नंबर 5 पे भी सेम आर्मी भाई। ध्यान रखो, तुम्हें बस दो ही आर्मी प्रैक्टिस करनी है आज के बाद, एक तो है ब्लिजार्ड क्लोन ड्रैग, दूसरा जो ईडी है, सारे बेसिस क्लियर कर सकते हो, देख रहे हो सेम आर्मी। तो सारे बेसिस उस साइड के ईडी से उड़ गए, आई थिंक इस साइड के मोस्टली बेसिस जो है, सारे नहीं मतलब दो बेस छोड़ के सारे, सब सारे अटैक्स सेम आर्मी से हुए भाई। यही सेम आर्मी है, नहीं ये तो टी एस 13 है, तो समझ सकते हो टी एस 14 पे सारे जो है ना, सारे बेसिस पे सेम ही आर्मी से अटैक हुए। और इधर से जो है इस बेस पे कौन सा हुआ है, ईडी हुआ है। तो नेक्स्ट पे देखते हैं हम, इस पे ईडी हुआ है, इस पे देखते हैं कौन सा हुआ है, इस पे भी ईडी हुआ है, इस पे भी ईडी है भाई। मतलब TH14 सारे ईडी वर्सेस ड्रैग था ये वॉर भाई, मैं अभी थंबनेल में यही लिखने वाला हूँ, इलेक्ट्रो ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन पूरा एकदम ओके। तो फाइनल हो गया कि पूरे वॉर में सिर्फ दो आर्मी यूज़ हुआ है और इतना क्लोज वॉर है अभी। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको रिप्लेस एक दो और दिखाऊंगा, क्योंकि देख लो दोनों तरफ से लगभग सेम ही अटैक हो रहा है, एक तरफ से ईडी, एक तरफ से जो है ड्रैग, और कैसा हो रहा है कि स्पैम ड्रैग हो रहा है, पीछे से वार्डन के अंदर ब्लिंप और ब्लिजार्ड क्लोन हो रहा है एक तरफ से जो है। तो सिमिलर अटैक से मैं और हो सकता है एक दो कवर कर दूँ, पर यहाँ पे जो मेन देखने वाली बात है वो है भाई, मैं आपको रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ अभी, 98.60, 98.53, कितना 0.7% से वॉर विन किया गया है। अब जो यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर आप देखोगे तो 89, अगर दो एक एक परसेंट और बढ़ जाता 87, 92 का यहाँ पे अगर हम दो दे देते हैं ना, तो 89 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। तो बस एक बिल्डिंग से यहाँ पे वॉर विन किया गया है, और एक बिल्डिंग की वजह से स्ट्रिक कितने का ज़्यादा पता है, 78 का स्ट्रिक ख़त्म हो जाता जगह पे। पर भाई यहाँ पे जो वॉर है वो जीत लिया गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन रोहन भाई को। और भाई अगर यहाँ तक मेरा स्ट्रीक हो जाए, नहीं मैं खेलता था पर फिर भी एक टाइम के लिए हमें लगता है बस हुआ यार, 50 का स्ट्रीक बनाना है, टारगेट है, रुक जाना चाहिए। पर यहाँ पे रोहन देख रहे हो बनाते जा रहे, आई थिंक 100 उसका टारगेट है करंट, एंड देखें हो भी जाएगा आराम से, क्योंकि इतना खतरनाक भाई और बहुत क्लोज था, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा। इनेमी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक खेली, नसीब था, और मेन चीज़ लक ही चाहिए अगर आपको बड़ा स्ट्रिक बनाना है, तो कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क जा सकता है या वन स्टार हो सकता है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट सा, तो सारा लक के ऊपर है। और 79 तक आ चुका है, तो 100 भी हो ही जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
काफ़ी क्लोज वॉर था, ऐसे ही वॉर्स में और लाते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।